भाजपा बार बार कह रही है 4 तारीख को 400 पार। हाँ बिल्कुल वो सही कह रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, कार्यकर्ता और उच्च पदों पे बैठे हुए लोग भी जो है जमीन पे आके परिश्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है उनकी सेवा का परिणाम आएगा और वो 400 पार का जो नारा लगाते हैं निश्चित रूप से वो सफल होंगे। और राम राज क्या है? राम राज जो है भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और भूख मुक्त जो है समाज ही जो है वो राम राज की परिकल्पना है। जब जो है ये वर्तमान सरकार जो है भय भूख से जो है लोगों को निजात दिलाती है तब राम राज लाती है। जब भय से मुक्ति दिलाती है तब राम राज ला रही है। जब जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला रही है तब राम राज ला रही है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला है जो है वो उस पर जो है चुनाव आयोग और जो हमारी न्यायपालिका है उस पर मिल करके जो काम कर रही है उसका सही रूप से जो है परिणाम आएगा। हाँ बताइए, जैसे ये सपा और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में सफल हैं, तो एक हमको आप सवाल बता दीजिए कि उनका गुलाम नबी आज़ाद साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी भी टीम दलाल बता रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनके पास ये पूछ लो कौन से बड़ा चेहरा ओवैसी और मुसलमान का कांग्रेस के पास है। और एक उदाहरण हम आपको दे दें, बहन जी अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समाज के लोग 42% वोट हो रहा है, इनमें देख लीजिए कौन से उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा समाजवादी कांग्रेस के पास है। तो दूसरी चीज, एक उदाहरण और हम आपको दे दें, किसकी कितनी सीट बात है, किसकी कितनी सीट हाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या अनुमान है इंडिया का कितना सीट होगा और विपक्ष का कितना सीट होगा? विपक्ष की होंगी 7 और 7 हाँ, और भाजपा की होंगी 73 क्योंकि यूपी में हाँ एक लोग कहते हैं कहावत कि जब नियत सही होती है तो पुण्य बरकत आगे आगे भागते है, तो विपक्ष की जो है नियत नहीं सही, तो इसलिए पुण्य बरकत अपनी नियते में ये धुस्त हो जा रहे। गठबंधन नहीं, ये ठकबंधन है। मुसलमान आने वाला, मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद को और असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने किनारे कर दिया है, ये कहते हैं बीजेपी भी टीम दलाल, और हम कहते हैं कांग्रेस और समाजवादी के ही लोग भी टीम दलाल हैं। आज तक हमको विपक्ष ये बता रहे हैं जाति के आधार पर मंत्री पद क्यों बांट रहे हैं? अभी तक ओम प्रकाश राजभर जी पानी पी करके उल्टा सीधा बोलते थे, आज उनको मंत्री बना दिया। ओम प्रकाश राजभर की नजर में कोई अन्य राजभर पिछड़ा नहीं है, वो बाप पिछड़ा है, बेटा पिछड़ा है और छोटको लड़कवा पिछड़ा है, उसके अलावा कोनो पिछड़ा नहीं है। दारा सिंह चौहान जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं जीते थे, मायावती की देन थी, राज्यसभा भेजा था, उसके बाद घोसी लोकसभा जिताया था, उसके बाद घोसी विधानसभा को धोखा दे करके आए और फिर पटकी खाए। बताइए, सही कहा इन्होंने। आप इनसे ये पूछ लीजिए कि बिहार में लालू जी ने और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने कितने परिवारवाद के हुए है, समझू? और काहे खाती पलटू चाचक साथ ले लिए, वो तो जो है मुख्यमंत्री बनने का वो कह रहे कि परिवारवाद तो ये अखिलेश यादव जी के घर में भी है लालू। अरे भाई, मैं अखिलेश यादव जी को उनके घर में परिवारवाद है, परिवारवाद किसके क्या नहीं है? मैं अखिलेश यादव भाई, मैं तो ये बता रहे ना जैसा, अरे भाई किसका, उनके हिसाब से जो है पियर का चाचा अपने लड़के को टिकट दे, वो परिवारवाद नहीं है। अरे भाई, पिछड़ों में क्या बब्बन राजभर को लोकसभा नहीं पहुंचाया, क्या अक्षय वीर को नहीं पहुंचाया, कि उनको सुलेमन को नहीं पहुंचाया, कितनों को पहुंचाया? जमीन वही घोसी लोकसभा से एक सांसद हुआ करते थे चौहान जी, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, बालकृष्ण जी बालकृष्ण जी अपने खेत में गेहूं काट रहे थे, पता चला कि आप सांसदी जीत गए, चलिए आपको शपथ लेना है। अगर यहाँ पे गाजीपुर मऊ बलिया के लोग होंगे तो जानते होंगे कि बालकृष्ण चौहान गेहूं काट रहे थे तब पहुंचे थे लोकसभा का सदस्यता की वो करने के लिए। तो कितना सीट विपक्ष का, कितना सीट विपक्ष? भैया वो 4 तारीख को पता चलेगा, ईवीएम सेट होगी तो भैया 73 होंगी, ईवीएम नहीं सेट होगी तो जनता सबको देख रही है। हाँ एक मिनट,
हिमाचल प्रदेश में जीती कांग्रेस तो ईवीएम सही, घूसी में जीते तो ईवीएम सही, कर्नाटक में जीते तो ईवीएम सही, और तेलंगाना में जीते तो ईवीएम सही, और तमिलनाडु में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान में अगर बीजेपी जीती तो वहाँ ईवीएम खराब है। अब ये इनका समझ लीजिए एक तरीके से कि ये लोग केवल मुसलमानों को छलना चाहते हैं। मुसलमानों की आज जो दुर्दशा हो रही है ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की है। क्यों नहीं हम कहते हैं गुलाम न है उनका बद असरुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं विपक्ष वाले। क्या लग रहा है 24 में 400 पार मोदी सरकार, 400 पार बिल्कुल मोदी सरकार, कैसे कैसे बताइए? काम के बल पर, काम के बल पर भारत काम, लोग भारत बेरोजगारी बहुत, भारत को विकसित राज्य बनाने का भी संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी। शिक्षा आधार है, शिक्षा रोजगार आधार है क्या, सुरक्षा आधार है क्या, स्वास्थ्य आधार है क्या, बताइए। आपके शिक्षा में 2002 से 2017 के बीच में कितना परिवर्तन हुआ, 2012 से 2007 के बीच कितना परिवर्तन हुआ? मैंने शिक्षा में सुधारा, चिकित्सा में सुधारा। क्यों 22 पॉलिटेक्निक प्राइवेट, क्यों 56 आईटीआई प्राइवेट, जवाब दे। अभी 3 दिन पहले का पेपर पढ़िए, सही बात है। मायावती जी के जमाने में जहाँ पर 250-250 आबादी थी तो ये जो प्रक्रिया 250-250 आबादी पर स्कूल खुला है मायावती की देन है, जो बधाई का पात्र है। बदलते रहते हैं, बदलते नहीं, बदलते नहीं, जो है प्रक्रिया सही वो हम बता रहे हैं। मायावती जी ने हर दलित पिछड़ा आदिवासी को हक अधिकार देने का काम किया, उन्होंने सच में गरीबों तक उनकी योजनाओं को पहुँचाया, लेकिन यहाँ पे तो कोई गरीबी तक पहुँचने का नाम ही नहीं। जी की सराहना की जा सकती है, बी टिप कहा जा रहा है भाजपा बी भाई, वो भाजपा कहे और बीजेपी सपा कांग्रेस कहे, अरे भाई कहने दीजिए। अगर भाई विपक्ष कह रहे हैं, हम विपक्ष वाले क्यों नहीं प्रधानमंत्री घोषित कह रहे बहन मायावती जी का, जिसके पास 22% वोट है। अरे तो ये लोग प्रधानमंत्री घोषित कर रहे, यही जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बन रहे थे तो कांग्रेसियों ने नहीं। मायावती जी को राष्ट्रपति बनना होता तो सन्नवासी बन गई होती, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से न गिराई होती, ठीक है। अगर मायावती जी को बनना हो, क्या लग रहा है क्या होगा 24 के चुनाव? इंडिया गठबंधन, चार जून को क्या होगा इंडिया गठबंधन, क्या होगा इंडिया गठबंधन? मुद्दे ऐसे हैं हम लोग के पास, इंडिया गठबंधन क्या होगा भाई? सरकार बनेगी उनकी, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कितने मुद्दे हैं, कितने से कितने, क्या बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे, पार करेगी, पार करेगी बहुमत के आंकड़े, क्योंकि मुद्दे है ना बेरोजगारी। 400 पार तो एनडीए कह रही है, 400 पार देखिए वो कह रही, सही कह रही, लेकिन 400 पार सही कह रही, डीजल पार होगा 400, पेट्रोल पार होगा 400 पार की सिलेंडर, मतलब महंगाई दर बढ़ जाएगी और युवा रोजगार 400 के आंकड़े को और पार कर जाएगा, तो 400 पार का आंकड़ा जो आंकड़ा है उनका एकदम सही है कि महंगाई के दौर में ये 400 से भी ज्यादा पार कर जाएंगे, बस ये काम कर पाएंगे। देखिए मुद्दे आप भाजपा वाले से किसी से मुद्दे पूछ लीजिए कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी आके सब लोग बोल के गए लेकिन मुद्दों की बात किसी ने नहीं करी। भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? क्या सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ेगी, सीए के मुद्दे पे लड़ेगी, किस पे लड़ेगी? रोजगार के मुद्दे पे लड़ रहे, शिक्षा के मुद्दे पे लड़ रहे है, और जैसे अभी कह रहे थे स्कूल की शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे। कल मैंने एक चीज देखी है पहली बार, मुद्दा बताइए, मुद्दा आप ये बताइए कि विपक्ष के लोग जब आप मुद्दा बताइए एक मुद्दा पर जीते, आप हमारी सुन, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये मुद्दा पूछ रहे हैं। देखिए कल मैंने एक विकास देखा है, कल पहली बार एक मैंने विकास देखा, मैं केंद्र विद्यालय जब जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे तब न मुद्दा की बात बताएंगे, जब अनपढ़ गवाह रहेंगे तो कहेंगे कि 500 की पार, 500 की पार किसको अनपढ़ का, अरे मुद्दे पर बात किसको अनपढ़ का, अगर जो कह रहा है 400 की पार, अरे तो भाजपा कह रही है, अब भाजपा ना कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है भाजपा 400 पार, कांग्रेस भी नेताजी मुलायम सिंह ने भी सदन में कहा था कि मैं रात में राहुल गांधी इनके सपने में आए थे, इनके कान में फूंक के गए हैं, इनके कान में फूंक करके गए हैं, ठीक है भाई। ये इनके इनसे पूछ लीजिए, एक IIM बताएं, एक IIT बताएं, मैंने एक प्राथमिक विद्यालय बताएं, इसी लखनऊ जिले में हम खड़े हैं, इस लखनऊ जिले में बताएं कि किसी स्टूडेंट को, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा में पेपर आउट कराने वालों के घर पे कब बुलडोजर पहुंच रहा है, जवाब दें।
बताएं बुलडोजर कब पहुंचेगा, बताइए बुलडोजर कब पहुंचेगा, बताइए बुलडोजर कब पहुंचेगा। देखिए कार्रवाई हो रही है, वो कहना बीजेपी हटा दिए गए हैं, बीजेपी शासन से हटा दिए गए, कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बनारस के अंदर। बनारस के अंदर भैया एक बहन के साथ, आईआईटी की छात्रा थी, उस बहन के साथ में अभद्रता हुई, उस महिला को न्याय नहीं मिला, हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, उस बेटी का परिवार मांगता है न्याय, कब न्याय बताएं, न्याय अभी जो है, अभी रात में आज जो है एक मास्टर को कांस्टेबल ने तमाखू मांगने चक्कर में 26 गोलियां पूरी कार्रवाई निकाल दिया उसने, ठीक है, कहे सिपाही बोला, सिपाही ने मार दिया और पूरी कार्रवाई खत्म कर दिया उसने, 26 गोलियां निकाल दिया, एक बदमाश हो रही भाजपा राज। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, जैसे एक वक्ता ने कहा था कि हाथरस में और बनारस में और उन्नाव में हुआ, तो माननीय नेता विरोधी दल अखिलेश यादव जी वहाँ एक बार गए हैं, जरा इनसे यही पूछ लीजिए। हम कह रहे हैं सरकार में आप हो, विरोधी क्या जाने भाई, सरकार में आप उनके घर बुलडोजर यही समाजवादी पार्टी की थी जो मुसलमानों के मसीहा माननीय मुलायम सिंह जी बाजते थे, तब मौजूद थे, एक सीओ की हत्या हुई थी जियाउल हक की प्रतापगढ़ में, तब कहां थे, और मुजफ्फरनगर दंगा की भी जरा चर्चा कर लीजिए कि इन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, चर्चा कर ले, मालेगांव ब्लास्ट की भी चर्चा कर ले, अक्षरधाम मंदिर की भी चर्चा कर ले, क्यों नहीं कर पाओगे? आप जियाउल हक की हत्या के बाद उसकी सच्चाई जानते हैं? सच्चाई जानते हैं नहीं, आपने बोल तो दिया, केवल केवल हेडलाइन सुना है, उसकी सच्चाई जानते हैं क्या हुआ था? आप बताइए, यहाँ जात धर्म की लड़ाई मत करिए, अभी भी आप लोग हाथ खोल लीजिए, ये सब का है भारत देश, जात धर्म की लड़ाई बिल्कुल ना करिए। जात धर्म की बात नहीं हो रही है, जहाँ तक मुसलमानों के मसीहा माननीय मुलायम सिंह जी बात से थे, और सीओ की हत्या 2015 में हुई थी प्रतापगढ़ में, जिसका रिकॉर्ड इतिहास का है, समाजवादी की गवर्नमेंट थी। आप बताइए जरा हमको, तब नहीं आपको कानून व्यवस्था समझ में आ रही थी, तब आपके कानून व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी? बताइए, जब बड़े बड़े नेता लगे रहेंगे तो इसमें मुलायम सिंह यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे मुलायम सिंह को आपने चौकीदार समझा, 3 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, एक बार भारत सरकार के रक्षा भेजिए ना, भेजिए जियाउल हक की हत्या अब करिए। अच्छा भैया, क्लीन चिट मिल गया उनको, राजा भैया को क्लीन चिट मिल गया, कौन कराया? यही मुलायमी सरकार, मुलायमी सरकार ही ने कराया ना। अरे उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे थे, मैं नाम नहीं किसी की लेना चाहता हूँ। काला धन कब आएगा, लिस्टिया कहाँ है, काला धन कब आएगा, लिस्टिया कहाँ है? अरे विपक्षी लोग क्यों नहीं कह रहे काला धन बना रहे, क्यों नहीं कर रहे? अरे काला धन तो बताइए, कुछ नहीं, अभी नहीं बोलूंगा। अरे कुछ तो बोलिए। अरे कुछ नहीं, आप बोल रहे हो, एक कविता लिखी है, बताइए, सुनाइए। 110% से हो चुका है प्रस्ताव जारी, ने हर पार्टी की हारेगी हारी, कल हारेगी हर पार्टी, हारेगी हारी, बस जीतेगा तो। इंडी अरे कुछ ही, कोई नहीं जीतेगा, सब हारे हुए, इसकी सरकार बनेगी, सरकार किसी की नहीं बनेगी, सब हारे हुए, बात खत्म। जाओ बेटा, भैया बोल दी, पूछिए ना कि काला धन कब आएगा, लिस्ट कहाँ है, लिस्ट कहाँ है, आला दिन का चिराग कब घिसा जाएगा, भ्रष्टाचार कब मिटेगा? काला धन तो बोल दीजिए, बोलिए जो बोलना चाहते हैं, बोलिए, नहीं बोलेंगे, ऑफ कैमरा देखिए, फिर बोलेंगे, ऑफ कैमरा जरूर बोलेंगे, और कैमरा नहीं बोलेंगे। बाकी इस पूरे बातचीत पर आपका क्या सोच रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक गुप्ता। अभी हम लखनऊ में मौजूद है, ये लखनऊ की जनता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना अपना विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।